युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनी शिशि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 8 अप्रैल 2020 दिन बुधवार, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और पूर्णिमा तिथि सुबह 8:04 तक रहेगी और उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है उसका समय नहीं पड़ेगा। आज राहु काल दोपहर 12:23 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। आइए अब जानते हैं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। आज आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और कोई बड़ी डील फाइनलाइज होने से आज आपको अच्छी खासी रकम कमीशन में मिल पाएगी। आज गणित के छात्र विशेष तौर पर मन लगाकर अपनी पढ़ाई में रुचि ले पाएंगे और आज अपने प्रयासों से वे मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी हल कर लेंगे। समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आप किसी भी शुभ काम को करने से परहेज करें। आज यदि आप किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने का प्रयास करेंगे तो किसी न किसी कारणवश वह अधूरा रह सकता है। आज आपके लाइफ पार्टनर को क्रोध भी अधिक आएगा और वो आपसे झगड़ा करने के लिए उतारू रहेंगे, इसलिए आज आपको डबल मेहनत करनी है कि उनको भी शांत रखना है और खुद भी सोच समझ कर कुछ बोलना है। आज आप दही की मीठी लस्सी पिए, यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज अपनी बुआ के घर जाकर उन्हें मिठाई खिलाकर उसका आशीर्वाद लेना भी आपके लिए अत्यंत शुभकारी होगा। धनु राशि वालों, अगर आप संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिशि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रिय भक्तगण, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से यदि आप किसी भी प्रकार की सरकारी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपके कार्य में कोई भी सरकारी बाधा आ रही हो, चाहे वो आपकी फाइलें अटक जाना हो या कोई नेसेसरी परमिशन न मिल पा रही हो या सरकार से संबंधित किसी भी कार्य में रुकावट आ रही हो, तो आज इस उपाय को करने से निश्चित तौर पर आपके सभी सरकारी काम बनने लगेंगे। आज आप रात को आग जलाएं और उस आग को दूध से बुझाएं। जब आप आग को बुझा रहे हो उस समय आप सूर्य देवता को याद करें और उनसे आशीर्वाद मांगें।
यदि आज आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द आपके जो सरकारी काम है वे बनने लगेंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूँ। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे ये अंगूठी पहनाई थी, मैंने ये अंगूठी पहना, मुझे काफी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला, मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में, फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ। मुझे और कुछ बाकी था, मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं यही देना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आपको विश्वास कीजिए। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।